हाय गाइस, मैं अभी सो के नहीं उठी हूँ। ये मेरे बाल इतने बिखरे नज़र आ रहे हैं इन छोटे छोटे बेबी हेयर्स की वजह से। तो आपने ठीक पहचाना, आज का वीडियो है इस बारे में कि हम अपने बेबी हेयर्स को कैसे फिक्स करें जिससे कि हमारे बाल मैनेजेबल और स्लीक नज़र आए। तो शुरू करते हैं आज के वीडियो से। हाय गाइस, मैं हूं निधि और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल पर हम बात करते हैं ब्यूटी, स्किन केयर और हेयर केयर की। मैं वीडियो पोस्ट करती हूँ एवरी मंडे और फ्राइडे, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि आप मेरा कोई भी वीडियो मिस ना कर पाएं। हम कहीं जाने के लिए तैयार होते हैं, हम अपने बाल बना रहे होते हैं और हम देखते हैं कि हमारे सर में ये बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे बेबी हेयर्स होते हैं जो कि हमारे बाल बनाने के बाद भी उनको एक क्लीन लुक नहीं देते हैं। बेबी हेयर्स की वजह से हमारे बाल मेसी मेसी फील होते हैं। तो चलो आज के वीडियो में देखते हैं कि हम इन बेबी हेयर्स को, या जिन्हें हम फ्लाईवेज कहते हैं, इन्हें कैसे फिक्स कर सकते हैं। और हम अपने बेबी हेयर्स को फिक्स करने के लिए वो सारे आइटम यूज़ करेंगे जो आपके वैनिटी किट में या आपके पर्स में इजीली अवेलेबल होते हैं। तो आप घर में हों या कहीं बाहर हों, आप अपने बेबी हेयर्स को इजीली फिक्स कर सकते हैं। तो फर्स्ट प्रोडक्ट जिससे हम अपने बेबी हेयर्स फिक्स कर सकते हैं इस एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल हम सबके घर पर ईजिली अवेलेबल होता है। तो बस आपको करना है कि आपको एक कॉइन साइज अमाउंट अपने हाथ में लेना है और बस उसको ऐसे रब करना है। आपको अपनी उंगलियों में एलोवेरा जेल लेके अपने बेबी हेयर्स पे ऐसे रब करना है और आप देख सकते हैं कि आपके बाल इंस्टेंटली मैनेजेबल लगेंगे और इन्हें और स्मूथ बनाने के लिए, अच्छे से मैनेजेबल बनाने के लिए अपने बालों पे हल्का हल्का कॉम कर लीजिए। और ये देखिए, मेरे इधर के सारे फ्लाईवेज फिक्स हो चुके हैं। हम बहुत बार घर से बाहर होते हैं और हम अपने साथ एलोवेरा जेल को कैरी नहीं कर रहे होते हैं, तो कैसे हम अपने बेबी हेयर्स को फिक्स करें? तो इसका सबसे इजी सॉल्यूशन है हैंड लोशन या बॉडी लोशन। आप थोड़ा सा बॉडी लोशन अपनी फिंगर्स पे लें और इसे अपने बालों पे रब करें, जैसा अभी हमने देखा कि एलोवेरा को जैसे हमने रब किया और आपके बाल इंस्टेंटली स्मूथ हो जाएंगे। नेक्स्ट आइटम जिससे हम अपने बेबी हेयर्स को फिक्स करेंगे इस लिप बाम। अगर आपके पास लिप बाम नहीं है तो आप वैसलीन का भी यूज़ कर सकते हैं। बस हमें थोड़ा सा वैसलीन या लिप बाम लेना है, उसे अपने फिंगर्स के बीच में ऐसे रब करना है और बस अपने बेबी हेयर्स पे ऐसे लगाना है। एंटर्ड, आपके बेबी हेयर्स बस इंस्टेंटली कहीं गायब हो जाएंगे। और अभी तक जो ऑप्शन हमने देखे हैं बेबी हेयर्स को फिक्स करने के लिए, इनसे आपके बेबी हेयर्स फिक्स तो हो जाएंगे बट बहुत ज़्यादा देर के लिए फिक्स नहीं होंगे। और बहुत बार ऐसा होता है कि हमें किसी शादी या पार्टी में जाना होता है तो हमें अपने बालों को ज़्यादा देर तक अच्छे से सेट करना होता है, तो उस केस में बेबी हेयर्स को फिक्स करने का सबसे अच्छा सलूशन है कि हम हेयर जेल यूज़ करें। अब हेयर जेल हम सबके घर में होता है, या तो हमारे भाई यूज़ कर रहे होते हैं, हमारे हस्बैंड का। तो हेयर जेल से बेबी हेयर्स को फिक्स करने के लिए हमें करना क्या है, हम एक टूथब्रश लेंगे और उसमें ऐसे हेयर जेल को लेंगे। अगर आपके पास हेयर जेल बॉक्स फॉर्म में है तो और भी अच्छा, अपने टूथब्रश को हेयर जेल में डिप कर लीजिए और बस आप अपने बालों के ऊपर उस टूथब्रश को ऐसे रन कीजिए। आप टूथब्रश से अपने बालों को हल्के से कॉम कीजिए और आपके बेबी हेयर्स इंस्टेंटली और ज़्यादा देर के लिए फिक्स होंगे। ये सबसे अच्छा सलूशन है आपके बेबी हेयर्स को फिक्स करने का। अब मैं आपको ये बहुत छोटे हेयर्स फिक्स करके दिखाती हूँ। मैंने अपने टूथब्रश में थोड़ा सा हेयर जेल ले रखा है और बस इसे आपको हल्के हल्के हाथों से ऐसे रन करना है और देखिए आपके बाल बिल्कुल स्लीक और स्मूथ नज़र आएंगे, आपके बेबी हेयर्स बिल्कुल भी नहीं दिख रहे होंगे। तो ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप किस तरीके से अपने बेबी हेयर्स को फिक्स करना पसंद करेंगे। आप कोई भी मेथड ट्राई करें और फिर मुझे बताएं कि आपको बेबी हेयर्स फिक्स करने का कौन सा तरीका बेस्ट लगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आप मेरा कोई भी वीडियो मिस ना कर पाएं। तो मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में।